G20 सम्मेलन के लिए दिल्ली तैयार, लेकिन रहना होगा थोड़ा सावधान। गूगल मैप पर नहीं दिखेगा नई दिल्ली का रास्ता। घर से निकलने से पहले इन बातों का रखें ध्यान। दिल्ली G20 सम्मेलन के लिए पूरी तरह से तैयार है। पुलिस प्रशासन ने भी करीब करीब अपनी पूरी तैयारी कर ली है, लेकिन G20 सम्मेलन को लेकर दिल्ली वालों को थोड़ा अलर्ट रहने की जरूरत है। दरअसल G20 सम्मेलन के दौरान कई रास्तों को बंद किया जाएगा, तो वहीं प्रगति मैदान इलाके को नो एंट्री जोन में तब्दील करने का निर्णय लिया गया है। G20 के दौरान कार्यक्रम और VIP मेहमानों का ज्यादातर मूवमेंट नई दिल्ली जिले के क्षेत्रों में ही होगा। इसे देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्षों और उनके साथ आने वाले प्रतिनिधि मंडलों के सदस्यों की सुरक्षा व्यवस्था और उनकी सुविधा को देखते हुए नई दिल्ली के इलाके को पूरी तरह से बंद रखने का निर्णय लिया है। इसके लिए गूगल मैप से भी दिल्ली ट्रैफिक पुलिस बात कर रही है, ताकि उस दौरान अगर कोई नई दिल्ली जिले के रास्तों के बारे में सर्च करे तो उसे ये रास्ते बंद मिले। वहीं नई दिल्ली के रास्ते कोई दिल्ली के किसी अन्य इलाकों में जाना चाहता हो तो उसे गूगल मैप पर वैकल्पिक मार्ग दिखाई दे। स्पेशल CP SS यादव ने बताया कि G20 के दौरान बंद किए जाने वाले रास्तों की जानकारी सोशल मीडिया और ट्रैफिक पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए भी लोगों को मिलती रहेंगी। वहीं जो लोग नई दिल्ली के रास्ते होते हुए दिल्ली के अन्य हिस्सों में जाना चाहेंगे उन्हें गूगल मैप पर वो रास्ते बंद दिखेंगे। साथ ही पुलिस अधिकारी ने बताया कि G20 सम्मेलन को देखते हुए पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। इस दौरान ये सुनिश्चित किया जाएगा कि विदेशी मेहमानों के आने जाने को बेहतर और सुरक्षित तरीके से अंजाम दिया जा सके, तो वहीं आम लोगों को कम से कम असुविधा ना हो, इसकी भी कोशिश की जा रही है। इसके लिए जहां लोगों को बंद किए गए मार्गों की जानकारी दी जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ गूगल मैप से भी उस दौरान प्रतिबंधित मार्ग को ना दिखाए जाने की अपील या उनसे कहा गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि इस दौरान मेट्रो सामान्य रूप से चलेगी और उस पर कोई पाबंदी नहीं है, इसलिए दिल्ली में आने जाने के लिए उस दौरान मेट्रो से यात्रा करना सबसे बेहतर विकल्प होगा। नई दिल्ली क्षेत्र में पैदल यात्रियों के चलने पर कोई रोक नहीं लगाई गई है, जबकि बाहरी गाड़ियों का जिले में प्रवेश प्रतिबंधित होगा। हालांकि इस दौरान स्वास्थ्य सेवाओं को समर्पित गाड़ियों के आवागमन को जारी रखा जाएगा। वहीं जिले के स्थानीय निवासियों और होटलों में ठहरे लोगों को वैध कागजात के साथ सशर्त आवाजाही की अनुमति दी जाएगी। ये व्यवस्था 7 दिसंबर की रात 12 बजे से 11 सितंबर की रात 12 बजे तक लागू रहेगी। तो ऐसे में दिल्ली वालों को थोड़ा अलर्ट रहने की जरूरत है, ताकि उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।